हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर अन्नपूर्णा की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट, जिसे कि रगड़ा पेटिस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या मसालों की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा धनिया ले लिया है, खड़ी धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, 5-6 हरी मिर्च, 1 स्पून जीरा और 8-10 काली मिर्च, 500 ग्राम आलू और टिक्की तलने के लिए रिफाइंड तेल। टिक्की में डालने के लिए हमने एक प्याज, जिसे कि बारीक चॉप करना है, 1 स्पून काला नमक और चाट मसाला और सादा नमक। टिक्की के मसालों को मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब हम इसे सूखा ही पीसेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। टिक्की के मसालों को मैंने पीस लिया है, देखिए ऐसे सूखा पीसना है। उन मसालों को मैंने आलू में डालकर उसे मैश कर लिया है। अब हम टिक्की में डालने के लिए हरी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक टमाटर, हरी धनिया, 3-4 हरा मिर्च और 2-4 लहसुन की कलियां ले लेंगे। हम मिक्सचर जार में सारे मसालों को डालेंगे और उसे पीस लेंगे। देखिए हरी चटनी तैयार है। अब हम मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को 2-3 घंटे भिगो के रखे थे, उसके पल्स निकाल लिए और थोड़े से गुड़ लेके दोनों को साथ में पीस लेंगे। सफ़ेद मटर को मैंने 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था। मटर को उबालने के लिए मैंने कुकर में मटर डाल दिए हैं और थोड़ा पानी और नमक डाल के मटर को उबाल लेना है। अब हम आलू की टिक्की बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से उसे गोल गोल बना के रख लेना है। उसके बाद तवा गर्म होने के बाद 2 टेबल स्पून रिफाइंड तेल डालेंगे। रिफाइंड तेल गर्म होने के बाद हम 1 टेबल स्पून जीरा डालना है। जीरा जब चटकने लगे तो उसमें हम चावल के आटे से कवर करके और उसे हम अच्छे से तवे पे तल लेंगे। टिक्की को हमें इस तरीके से धीमी आंच पे गैस का फ्लेम स्लो रखना है और उसे हल्का हल्का रिफाइंड तेल डाल के इस तरीके से सेक लेना है। टिक्की को धीमी आंच पे ही सेकना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी टिक्की सेकने के बाद इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और उसके ऊपर उबले हुए छोले, लाल चटनी, खट्टी चटनी, काला नमक और भुना हुआ जीरा, कटी हुई प्याज डाल के ऊपर से चाट मसाला डाल के आप उसे सर्व कर सकते हैं। और इस तरीके से आप टिक्की चाट बना के खा सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप लाइक करिए, घर में बनाइए और आप भी खाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए।